अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ चिल्ली पनीर। चिल्ली पनीर के लिए इसके लिए टमाटर प्याज पहले इसको पीस लेना। दो बड़े प्याज है ये। दो टमाटर है ज्यादा। आठ बादाम है। आठ काजू है। और उसमें गरम पानी में मैं मिर्ची को भिगा ली, थोड़ी देर उबाल ली उसको। एक दो घंटे भिगने के बाद थोड़ी देर उबाल लेना। इसको पीस लेंगे। देखिए बारीक हो गए, इसको हम पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चम्मच तेल और इसमें दो बड़े चम्मच घी डाल लेंगे, देसी घी। पनीर को फ्राई कर लेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ी देर। अगर पनीर ज्यादा फ्राई करे तो हार्ड होता हो। पनीर क्यूब है ये, बाजार से खरीदे हुए हैं। आप चाहे तो घर में भी बना सकते पनीर को। देखिए इसका थोड़ा सा कलर बदलने के बाद निकाल लेना है। गैस को कम कर लीजिए। ये तेल में दो दालचीनी के टुकड़े, अदरक लहसुन आधा चम्मच, अब इसमें प्याज टमाटर काजू बादाम का पेस्ट डाल लो।
डाल रही हूँ, मिर्ची ना डालना, मिर्ची हम डाले ना इसमें, नमक एक चम्मच, दस मिनट हो गया, अब हम इसको खोल लेंगे। अब ये तैयार है, ऊपर तेल आया, टमाटर और प्याज पकने के बाद ऐसा तेल आता है उस पर। मैं हल्दी नहीं डाली इसमें, इसलिए नहीं डाली थी, इसका कलर अच्छा रहता हल्दी नहीं डालने से, हल्दी डालने से फिर कलर बदलता। अब उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर देना। अब उसमें डालेंगे पनीर, गैस कम करके एक 5 मिनट करके पनीर को दम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, अब देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब रेडी है। इसमें 2 हरी मिर्च है, इस तरह काट लेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी के पत्ते, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, 1 प्याज, सब डालने के बाद पका लेना, नहीं सिर्फ मिला लेना और निकाल, क्योंकि खाने के टाइम पे इसका क्रंचनेस रहना चाहिए, क्रंचीपन रहना इसका। अब इसको निकाल लेंगे हम, लीजिए अब तैयार है चिली पनीर। आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।